हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द्रौपदीज किचन। चलिए आज को स्मार्ट कुकिंग करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले एक बहुत ही प्यारा सा बहुत स्वीट रेसिपी, वह है शीर कुरमा। शीर कुरमा आप सबने खाए हो, जिन्होंने नहीं खाया है आज प्लीज़ देख लो रेसिपी और घर पे ज़रूर बनाना, और जो खाए हो उन वो भी ज़रूर देखो लास्ट तक, क्योंकि इस वीडियो में इस रेसिपी में बहुत सारे ट्विस्ट है जिसके लिए ये रेसिपी और भी ज़्यादा टेस्टी बनता है। कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिया है जैसे किशमिश, बादाम, चिरौंजी, पिस्ता, काजू और खजूर। इसके साथ हमने ड्राई कोकोनट भी लिया है, वो हम दिखाएंगे। और एक स्पेशल इंग्रेडिएंट है, वो है खजूर का गुड़ या डेट जैगरी, जिसको हम पटाली भी बोलते हैं। तो पहले मैं एक फ्राइंग पैन में घी ले रही हूँ 2 टेबलस्पून। अब इस घी में हम वो सारे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेंगे। तो मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स का इसे चॉप कर लिया है, पतला पतला कट कर लिया है, आप अपने मन पसंद कट दे सकते हो। तो इनको हम बस हल्का सा रोस्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं। पहले हमने डाल दिया बादाम, अब मैं डाल रही हूँ पिस्ताचियोस, सारे चीज़ को मुझे छोटा छोटा कट के रखा है। अब मैं डाल रही हूँ काजू, ड्राई कोकोनट, अब मैं डाल रही हूँ खजूर, खजूर को भी मैंने कट कर लिया है, सीड निकल दिया है। अब मैं डाल रही हूँ चिरौंजी। अब सारे चीज़ को मैं हल्का सा भूनूंगी, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा भूनेंगे तो ये ना जल जाएगा या ज़्यादा रोस्ट हो जाएगा, तो खाने में मज़ा नहीं आएगा शीर कुरमा। बस हम 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम में इसको भूनेंगे घी में, और उसके बाद इसको हम अलग रखेंगे। अब मैं इसमें किशमिश भी ऐड कर रही हूँ। किशमिश को लास्ट में ऐड कीजिए, पहले करेंगे तो वो ज़्यादा फूल के अजीब सा हो जाता है, इसलिए हमने लास्ट में किशमिश को ऐड किया। हमने याद ले लिया है 2 लीटर फुल क्रीम मिल्क। शीर कुरमा में ज़रूर याद रखें फुल क्रीम मिल्क ले लें। अगर आपके पास फुल क्रीम मिल्क नहीं है देन मिल्क के साथ मिल्क पाउडर मिला सकते हैं। तो वो सारे जो भी ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई करके रखे थे वो मैंने मिल्क में मिला दिया। अब यहाँ मेन काम है दूध को उबालना और उसका मतलब थिक बनाना, इसलिए अगर हम फुल क्रीम मिल्क देखें वो जल्दी थिक बन जाता है। अब मैं वो जो हमारा मेन है सेवैया, उसको मैं फ्राई कर लूँगी। तो शीर कुरमा के लिए ऐसे स्पेशल सेवैया की ज़रूरत है, जो देखिए आप देख सकते हो एकदम बहुत ही पतला सा होता है, बहुत ही फाइन होता है। तो इसको मैं ज़्यादा रोस्ट नहीं करूँगी, बस इसका कलर चेंज हो जाएगा, बस इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। ये भी हम मीडियम फ्लेम में ही फ्राई कर रहे हैं, रोस्ट कर रहे हैं। अभी ये दूध में हम मिला देंगे सेवैया को, और कंटिन्यूसली हम इसको चलाते रहेंगे, क्योंकि हमको गाढ़ा थिक चाहिए कंसिस्टेंसी जो है हमारे शीर कुरमा की। तो हम कंटिन्यूसली इसको चलाते रहेंगे और सेवैया थोड़ी देर तक पकाएंगे, जैसे 15-20 मिनट तक पकाएंगे। तो आप देख सकते हो अब इस स्टेज में मैं मिला रही हूँ, अब आफ्टर 5 मिनट्स में मिला रही हूँ ये पटाली या डेट जैगरी खजूर का गुड़। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस समय 1/2 कप चीनी मिला दीजिए। और मैं मिला रही हूँ ज़ाफरान या सैफरॉन। खजूर का गुड़ हमने इसलिए मिलाया, इससे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, चीनी में उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता, ये खजूर का गुड़ का एक बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर देता है। अब मैं इसमें मिला दिया छोटी इलायची पाउडर 1 टीस्पून। अब मैं मिला रही हूँ कंडेंस मिल्क 1/2 कप, और अब हम फिर से इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे करीब 15 से 20 मिनट। आप देख सकते हो काफ़ी थिक हो गया है हमारा शीर कुरमा। अब देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इतना ही थिक होना है, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा थिक हो जाएगा तो खाने में मज़ा नहीं आएगा। इसको जब भी खाना है इसको ठंडा करके एकदम फ्रिज में रख के चिल करके खाइए तो मज़ा आता है। तो जैसे ही आप फ्रिज में इसको रखोगे ये और ज़्यादा थिक हो जाएगा, तो ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अभी हम इसको चिल करेंगे, फ्रिज में रखेंगे कुछ देर के लिए। अभी देखिए हम फ्रिज से इसको निकाल के सर्व कर रहे हैं, और इसका कंसिस्टेंसी देखिए एकदम परफेक्ट है। तो कैसे लगा आज की रेसिपी शीर कुरमा, घर पे ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट करके बताएगा कि कैसा बना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।